हे एवरी वन वेलकम टू इजी फार्मा तो गाइज जैसे कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर चल रहा है, है फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकंड ईर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमारी यूनिट फोर यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे यूनिट फाइव हमारी यूनिट फाइव यहाँ पे रहने वाली है ड्रग एक्टिंग ऑन दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है बॉडी के अंदर डायरेक्टली क्या हम कह सकते हैं एक तरह से सीवीएस जिसको हम कह सकते हैं यानी हार्ट यानी हार्ट के ऊपर जो दवाइया एक तरह से हमारी काम करती है उनको यहाँ पे इस पूरी ही यूनिट के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं, कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी यूनिट रहने वाली है और एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसानी यूनिट हमारी रहने वाली है तो जैसे कि देखिए ये जो हमारी यूनिट रहेगी इसको अगर आप पढ़ने से पहले आप चाहें सीधा फार्माको थेराेरापोटिक में तो फार्माको थेरापोटिक में हम क्या स्टडी करते हैं एक तरह से डिसीज स्टडी करते हैं बीमारियाँ तो वहाँ पर कुछ हमारे टॉपिक जैसे कि वहाँ पर हमने डिस्कस किया था हाइपर हमारा क्या होता है तो एक तरह से एंटी हाइपर ड्रग ये हमारा आ गया साथ में एंटी एंजाइनल तो एंजाइनल पेक्टोलिस वहाँ पर पे हमने डिस्कस किया था ये हमारे यहाँ पर आ गया एंटी एलैडमिक ड्रग एक तरह से वहाँ पर डिसीज है यहाँ पर जैसे अथिलोस्कोलोस हमें हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं किया है उसको जल्दी हम करेंगे साथ में यहाँ पर कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर साथ में शौक क्या होता है तो ये सब एक तरह से हमारी फार्मा को थेरापोटिक की डिसीज वगैरह है उन्हीं में एक तरह से जो दवाइयाँ काम करती हैं उनको रोकती हैं उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो कही कहीं ना कहीं काफ़ी ज्यादा आसान हमारी यूनिट यहाँ पे ये रहने वाली है चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी ड्रग होने वाली है तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे वीडियो लेक्चर रहेगा आज एंटी हाइपर ड्रग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है ऐसे मान लीजिए बार बार हमारा एग्जाम में ये रिपीट होता है जो हमारा ये टॉपिक है एंटी हाइपर ड्रग तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक तरह से हमारी ये ड्रग क्या होती हैं तो यहाँ पर आप समझिए एक तरह से हमारी ये ड्रग है कहाँ पर एक्ट करेंगे सी बी एस यानी कार्डोवस्को सिस्टम के ऊपर कार्डोवस्को सिस्टम लाइक हम कह सकते हैं जैसे हमारा हार्ट तो चलिए देख लेते हैं एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग तो देखिए एक तरह से जो हमारी एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग है नॉर्मली एक तरह से हम इसको कहें तो एंटी का मीन्स होता है अपोज एक तरह से अगेंस्ट वर्क करना हाइपर टेंसिव यानी हाई ब्लड प्रेशर साथ ही में ड्रग यानी एजेंट सीधा सीधा हम कह सकते हैं वो ड्रग्स जिनका यूज़ ब्लड प्रेशर को रिड्यूस यानी कम करने के लिए किया जाता है उन्हीं को एक तरह से हम एंटी हाइपर ड्रग्स कहते हैं तो चलिए देख लेते हैं पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा हाइपर टेंशन हमारा क्या होता है नॉर्मल जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर अब देखिए प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इस टाइम एक तरह से जो ब्लड प्रेशर की कंडीशन है यानी पूरे ही वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्टली जो डिसीज़ एक तरह से पॉसिबल है लोगों में जो एक तरह से लो एज और हाई एज एक तरह से हम कह सकते हैं कम एज बच्चों वगैरह में भी आजकल देखने को मिली पंद्रह से बीस साल वालों में साथ ही में उससे ऊपर जो एक तरह से ओल्ड एज वाले यानी थर्टीन प्लस में तो एक तरह से मोस्टली ये देखने को मिल रहा है अब इसके रीज़न काफ़ी सारे क्या होते हैं एक तरह से हार्ट फेल वगैरह हो जाते है यानी अगर ज़्यादा ही वो हो जाता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भयंकर हमारा जो हाइपर टेंशन है वो रूप यहाँ पे ले सकता है तो चलिए हम देख लेते हैं अब देखिए नॉर्मली पहले हम जानते हैं हाइपर टेंशन हमारा मतलब किस तरह से ये बढ़ता है अब मान लीजिए बॉडी हमारे बहुत तरह के फैक्टर होते हैं अब फैक्टर क्या होते हैं इनको हम आगे आपको बताएंगे ऐसे नहीं है नहीं बताएंगे अब देखिए क्या होता है हमारी जो बॉडी के अंदर क्या है हमारी ये ब्लड वेसल्स हैं तो क्या होता है भाई इधर से मान लीजिए हमारी इतनी एक तरह से ऐसे यहाँ पे ये कोई एक तरह से ब्लड वेसल्स है बड़ी कोई ब्लड वेसल्स है इस तरह से हमारी ये छोटी है अब एक तरह से क्या हो रहा है मान लीजिए ब्लड का प्रेशर जो है वहाँ पे वो कम है तो नॉर्मली ब्लड यहाँ से आएगा इधर से जाके ये पास हो जाएगा नॉर्मल हमारा वर्क चल रहा है साथ में क्या होता है जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा यानी ब्लड ज़्यादा आ रहा है हमारी जो ब्लड विसल्स है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम साइज की है तो जब ये एक तरह से एक ब्लड क्या कर रहा है इसके अंदर आ रहा है अब ये आप देखें तेल के से निशान तो एक तरह से ब्लड के थ्रू जो पड़ने वाला प्रेशर होता है कहाँ पे एक तरह से ब्लड विसल्स की वाल पे तो एक तरह से ये जो हमारा प्रेशर यहाँ पे इसकी वाल पे पड़ रहा है इसी को क्या कह रहे हैं एक तरह से हम ब्लड प्रेशर कह रहे हैं यानी ब्लड के द्वारा पड़ने वाला प्रेशर एक तरह से नॉर्मली हम है कहते हैं ब्लड प्रेशर तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा ही क्लियर हो गया होगा ब्लड प्रेशर क्या होता है क्यों बढ़ता है और एक तरह से हम इसको कम करने के लिए इंड्रक का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या होता है इसको एक तरह से हम कहते हैं लूमन योगे हमारा ब्लड योगी एक तरह से हमारा प्रेशर योगी हमारी ब्लड वेसल्स। अब नॉर्मल क्या होता है हमारा बीपी जो होता है टू टाइप का होता है एक तो होता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक होता है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो भी हम सभी जानते हैं एक तरह से नॉर्मल हमारा बीपी होता है वो वन ट्वेंटी होता है यानी एक तरह से जो हमारा वन ट्वेंटी है एक तरह से भाई इस पर पड़ रहा है साथ में क्या हमारा सिस्टोलिक है और एक तरह से एट्टी जो है हमारा ये अस्सी यानी हमारा है डाइस्टोलिक ऐसे नॉर्मल रेंज है बीपी की आप भाई इससे ऊपर जा रहा है तो हाइपर टेंशन कंडीशन आ रही है यहाँ पर हम एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग यूज कर रहे हैं इसकी डेफिनीशियन देख लेते हैं यानी दीज आर दो ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर तो देखिए सीधा हम क्या करें ये हमारी वो ड्रग होती है यूज की जाती है एक तरह से ट्रीटमेंट करने में हाइपर टेंशन को यानी हाई ब्लड प्रेशर को अब एक तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है सॉरी हाइपर टेंशन हमारा क्या होता है बीपी इंक्रीज क्यों हो रहा है ये हमने आपको यहाँ पे बता ही दिया आल्सो कॉल्ड ब्लड प्रेशर हम इसको कहते हैं साथ ही में बीपी यानी ब्लड प्रेशर हाई बीपी पी एक्सेटेड बाई ब्लड ऑन द इंटरनल वाल ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक तरह से हमारा जो हाई बी पी है वो बढ़ रहा है ब्लड के थ्रू ब्लड के थ्रू क्या हो रहा है एक तरह से जो हमारी इंटरनल वाल है ब्लड वेसल्स की जो हमारी ये वाली है इसके ऊपर ही प्रेशर पड़ रहा है इससे एक तरह से ये बढ़ रहा है तो आई थिंक आपको समझ में आया हुआ, हुआ हमारा क्या है देन चलिए अब हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ बीपी यानी एक तरह से हमारे जो ब्लड प्रेशर है भाई एक तरह से क्या क्या स्टेज जितने स्टेजेस किसी भी डिसीज की डिसीज़ के एक तरह से भाई बढ़ती चल जाती उतना है उतना ज्यादा एक तरह से जो एक तरह से डिसीज है जोन में चली जाती है एक तो स्टेज होती है नॉर्मल बंदे होते हैं भाई फेमस हो रहे हैं स्टेज दूसरी सेकंड फर्स्ट यानी हाई लेवल तक जा रहा है एक होती है बीमारी तो अगर बीमारी हाई लेवल पे जा रही तो वो नुकसान है एक इंसान सक्सेस वगैरह हो रहा है वो हाई लेवल पे जा रहा है तो वो एक तरह से वहाँ पर फ़ायदा है तो दोनों का मतलब आप समझते हैं एक तरह से फर्स्ट जो हमारी स्टेज होती है इसमें हमारा सिस्टल जो बी होता है वो एक से वन फाइव नाइन यानी एक सौ उनसठ तक चल जाते हैं तो एक तरह से नब्बे से निन्यानवे चल जाता है अब देखिए नॉर्मल तो कंडीशन नहीं है क्योंकि वन फो वन ट्वेंटी बाई एटी होता है नॉर्मल लेकिन यहाँ पे वन फोटी बाई एक तरह से कितना जा रहा है वन फोर्टी से वन फाइव नाइन यानी एक सौ उनसठ तक जा रहा है तो एक तरह से फर्स्ट स्टेज है इतनी ख़तरनाक नहीं है लेकिन एक तरह से बी बढ़ा हुआ है नेक्स्ट जो हमारी स्टेज होती है यहाँ पर एक से एक होती है साथ में यहाँ पर जो डायस्टोलिक होता है सौ से एक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा भयंकर हमारी जो होती है सेकंड स्टेज होती है और बी पी हमारे यहीं तक कंट्रोल हो जाए तो बहुत ही अच्छा है मान लीजिए हमारी भाई ये थर्ड स्टेज आ रही है जैसे 180 या उससे कम या उससे ज़्यादा हो रहा है मतलब उससे ज़्यादा ही जा रहा है एक सौ दस से सिस्टोलिक इस ज़्यादा जा रहा है तो एक तरह से वो बी नहीं जा रहा है सीधा से कह सकते हैं भाई वो इंसान ही ऊपर वाले को याद कर रहा है और बस वो जाने ही वाला है तो एक तरह से आई थिंक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इससे ज़्यादा बीपी जा रहा है तो क्या क्या कंडीशन बॉडी में हो सकती है भाई हार्ट फेल वगैरह हो सकता है ब्लड वेसल्स फट सकती है काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इसके सिम्टम्स जैसे एक तरह से जब बीपी इंक्रीज़ होता है तो जैसे क्या होता है ब्लड विजन आंखों का आगे अंधेरा आ सकता है हेड एक दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है हिसाब से ज़्यादा ज़्यादा ही हो रहा है तो चेस्ट पेन वगैरह हो सकता है सीने में दर्द हो सकता है कन्फ्यूज़न वगैरह हो सकती है साथ में शॉर्टनेस से ब्रीथ सांस लेने में दिक्कत हो सकती है अच्छा हम देख लेते हैं कुछ रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से एक तरह से जो बी पी है वो इंक्रीज़ हो सकता इंक्रीज है जैसे फर्स्ट यहाँ पे हो जाता है ओवरवेट अब देखिए ओवरवेट एन से क्या होता है जैसे मान लीजिए क्या है हमारी ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो गया ओवर वेट की वजह से लिपिड वगैरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह क्या क्योंकि लगा यानी क्या हो गया फेट वगैरह इसके अंदर जमने लगा जगह एक तरह से यहाँ पे कम होती चली गई जब जगह कम होगी तो एक तरह से ब्लड जो है वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा यहाँ पे विसल्स के ऊपर तो हार्ट फेल वगैरह हो सकता है विसल्स एक तरह से फट सकती है डैमेज हो सकती है तो ओवरवेट एक तरह से रिस्क फैक्टर है इसका इनफ एक्सरसाइज एक्सरसाइज नॉर्मली आप कर तो सही हिसाब से ज़्यादा कर रहे हैं आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है साथ ही में क्या हो रहा है पूरी बॉडी के फंक्शन जो फीड एक तरह से तेज़ हो रहा है तो इनफ एक्सरसाइज भी एक तरह से नहीं करनी चाहिए उसकी वजह से ये हो सकता है स्मोकिंग से हो सकता है ड्रिंक वगैरह से हो सकता है एल्कोहल वगैरह जो पीते हैं लोग मतलब शराब वगैरह तो एक तरह से ये कुछ इसके जिसके फैक्टर्स होते हैं अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर जब एग्जाम में आएगा तो सारा लिखना होगा देखिए ऐसा नहीं होता है आपको समझाने के पर्पज़ से एक तरह से इतना सारा लिखा होता है क्योंकि अभी पढ़ते सब अभी पास भी हो जाते हैं मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में आप पास हो गए सेकेंड ईयर में आप हो जाएंगे उसके बाद आप एक तरह से क्या नॉलेज लेके जाते हैं इन फ्यूचर यहाँ पर हम लिखने के पर्पज़ से देखें तो आप क्या कर सकते हैं आप ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं साथ ही में आप ये हाइपरटेंशन जो इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं पहले हम देखेंगे डलक हमारी क्या होती है देन ये हमारी जो डिसीज़ है ये क्या होती है आप चाहें तो देखिए यहाँ पर इसको रोक सकते हैं यानी यहाँ तक आप चाहे तो सिर्फ इसको छोड़ दें इसकी डेफिनेशन में अब भाई आप चाह रहे हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स लेने आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं तो आप इनको भी यहाँ पे लिख सकते हैं लॉन्ग मा है तो मेरी माने तो आप एक तरह से यहाँ पे इसको स्टेजेस इस तक तो कम से कम लिखें आप चाहे तो ये एक तरह से देखिए नॉर्मल है आप इनको लिख सकते हैं आपके माइंड में आ जाएगा एक बार हमने आपको समझा दिया आपको पता चल गया तो ये तो आप यहाँ पर बना के भी लिख सकते हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका क्लासीफिकेशन अब देखिए यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है इसको आप बहुत ही अच्छे से देखें अब इसका रीज़न क्या है पहला तो ये कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी कैटेगरी है सेकंड हमारी जो एक तरह से कैटेगरी है जैसे कि यहाँ पे हम फिफ्थ यूनिट देख रहे हैं इसके अंदर जो हमारी सारी ही कैटेगरीज आएंगी इनके अंदर ड्रग हमें थोड़ी थोड़ी सिमिलर देखने को मिलेंगी क्योंकि सारे ड्रग हमारी कहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं कार्डोस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट के ऊपर अब हार्ट के ऊपर ये काम करें तो कहीं ना कहीं सारे ही कैटेगरीज के अंदर हमारा एक ही पर्पस यहाँ पे होता है एक तरह से बीपी को डिक्रीज करना तो एक तरह से कह सकते हैं सारी ड्रग हमारी रिपीट होती रहेंगी आपको माइंड में थोड़ी सी घूम भी जाएंगे कि ये किसका क्लासिफिकेशन है ये किसका है इसलिए आप क्या कर सकते हैं एक तरह से क्लासिफिकेशन इसका आप अच्छे से कर लीजिए जिससे सारे आगे वाली कैटेगरीज में आप इसका क्लासिफिकेशन यूज़ कर सके मतलब सारा यूज़ नहीं होगा लेकिन मोस्टली यहाँ पे यूज़ होगा जैसे फर्स्ट होते हैं हमारे ए सी ई इन बिटल्स ए सी में हमारे जैसे कैप्टो पिले ला गया नाला पिले ला गया साथ में लेसिनो पिले ला गया अब यहाँ पे तीन हमने इसलिए लिखी हुई क्योंकि इतनी आपके लेने पर आप लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से कह हैं तो अदर भी ड्रग इसमें आती हैं साथ ही हमारी डायबिटिक्स होती हैं देखिए डायबिटिक्स हमारी क्या करती है एक तरह से जो यूरिन का सिक्लेशन होता है उसको एक तरह से ये इनक्रीज़ कर देती है उससे क्या होता है हमारे जो बी होता है उसके एक तरह से कम होने के चांसेस रहते हैं हाइपर टेंशन हम पढ़े तो एक तरह से बी को डिक्रीज़ करते हैं जैसे इसमें एक हमारे थायसाइड्स आ जाती है इसमें इंडेपेमाइड आ जाता है साथ ही यहाँ पर हाइड्रो क्लोरो आ जाती है नेक्स्ट हमारे यहाँ पे लूप डायलिटिक्स होते हैं है फुलोसी माइड आ गया बोमीटे माइड आ गया साथ ही में टोलसी माइड आ गया नेक्स्ट यहाँ पर हमारे क्या होते हैं यहाँ पे बीटा बिलोकर्स होते हैं अब जैसे हमारे बीटा बिलोकर्स हो गए साथ में डायलिटिक्स कैल्शियम चैनल ब्लोकर से आगे हमें सारी कैटेगरीज में सिमिलर देखने को मिलेंगे जैसे बीटा बिलोकर्स हमारा प्रो हो गया एटिनोलोल हो गया और मेटोप्रोलोल हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में अब देखिए थोड़ा सा आप नाम पे जाएं बीटा ब्लॉकर्स यानी हमारे जो बीटा रिसेप्टर होते हैं उसको भी ब्लॉक करेंगे चैनल हमारे साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो एक तरह से कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करने का वर्क करेंगे जैसे एम्लोडिपिन हो गया वीरा पेमिल हो गया साथ में निपीडीपिन हो गया अच्छा वैसोडाइलेटर्स हमारे क्या होते हैं देखिए वैसो डायलेटर्स सीधा सीधा हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है उसको ना एक तरह से मतलब डायलेट करने का वर्क करते हैं अब ब्लड वेसल इस तरह से डायलेट हो रहे हो तो एक तरह से जो ब्लड का सिकुलेशन है वहाँ पे वो बढ़ जाएगा इस हमारे यहाँ पे मिनोक्साइडल आ जाती है साथ ही में डायाज आ जाती है सोडियम नाइट्रोपोसाइड हो जाता है देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन अब देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हमें पता चलेगा एक तरह से कैसे दवाइयाँ वर्क कर रही है भाई सी ए सी वी एस यानी कार्डोक्सको सिस्टम पर और एक तरह से कैसे बीपी को ये डिक्रीज कर रही है अब इसके लिए हमें एक तरह से ही फिलो चार्ट समझना होगा अब एग्जाम में चार्ट आपको जरूरी लिख बना के आना है इससे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो ए सी इनिविटर्स होते हैं अब देखिए पहले हम जानते हैं एसी हमारा क्या होता है तो ए सी की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी क्या होता है हमारे जो यहाँ पे एनजियोटेंसिन ओजन होता है एक तरह से क्या करता है ये मतलब कन्वर्ट करता है किसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में ये तो हम चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं जैसे हमारे जो एसी सी इनिवीटर्स यानी एक तरह से जो एनजोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसको इनिवेट करने का वर्क कौन करेगा यहाँ पे एक तरह से जो हमारे ये इनिवीटर्स होंगे इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे एसी सी ही इनिवीटर्स ये एक तरह से कहाँ पर आते हैं हमारे जो ए होते हैं हमारे ये लंग्स में होते हैं तो चलिए देख लेते हैं अब हमारे जो एक तरह से एनजियोटेंसिन होता है क्या होता है एनजियोटेंसिन एक तरह से किसके प्रेजेंट में रेनिन के प्रेजेंट में रेनिन एक तरह से हमारे पास कहाँ से आता है हमारी जो किडनी होती है गुलदे वगैरह नॉर्मल हम कहते हैं वहाँ से आता है तो क्या होता है हमारा जो एनजोटेंसिन ओजन होता है एक तरह से रेनिन के प्रेजेंट में ये कन्वर्ट हो जाता है एक तरह से एनजियोटेंसिन फर्स्ट में अब जब ये एनजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद क्या होते हैं हमारे जो एक तरह से मतलब जो हमारे ए होते हैं यहाँ पे इन्वीटर को फिलहाल आप हटा दीजिए जो हमारे एन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं ये एंजाइम क्या करते हैं एक तरह से जो हमारा एनजीओ फर्स्ट होता है इसको एन सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं आई थिंक थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा यहाँ पे चलिए मैं हाथ लगा लेता तो अब देखिए यहाँ पे क्या है आप इस प्रोसेस को बिल्कुल भूल जाइए जो हमारी क्या है ये इधर वाली प्रोसेस है यहाँ पर आप इधर वाले को बिल्कुल भूल जाइए यहाँ पे आप फोकस रखिए क्या हो रहा है हमारा एन जी ओजन रेनिंग के प्रजेंट में एन फर्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है एन फर्स्ट जो है ए सी ई की प्रेजेंट में इन्वेटर आप यहाँ पर हटा दीजिए एक तरह से ए सी ई की एक तरह से प्रेजेंट में एन सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है इसके कन्वर्ट होते यहाँ पे हो क्या रहा है जब ये एक तरह से एन जीओेंसिन ओजन सेकेंड में यानी एनजीओ सेकंड में कन्वर्ट होता है तो ये क्या इंक्रीज कर रहा है ओल्ड एज स्ट एक तरह से हमारा होता है आगे हम देखेंगे इसको इंक्रीज़ कर देता है इसके लेवल को जब ये इंक्रीज होता है तो एक तरह से हमारी जो किडनी वगैरह होती है वहाँ पर एक तरह से सोडियम का जो रिलप्स होता है वो वहाँ पर एक तरह से इंक्रीज़ हो जाता है अच्छा इसके इंक्रीज़ होने से क्या होता है एक तरह से जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड के वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से एक तरह से जो कार्डिक आउटपुट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है उसके इंक्रीज़ होने से सीधा सीधा भाई कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो बी पी वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है देखिए ये होती है एक तरह से हमारी ये फिज एक तरह से हम कह सकते हैं पूरी स्टेप बाई स्टेप जिससे हमारी बॉडी में क्या हो रहा है बी पी इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन अब देखिए यहाँ पे हम इनका तो यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम कर रहे हैं इन्िवीटर्स का यानी क्या करते भाई हमारा जो ये वाला एक्शन है इसको यहाँ पे हम खत्म करेंगे हम चाहे तो भाई यहाँ पे इसको कर सकते थे यानी इनको जिससे एन जी फर्स्ट में कन्वर्ट नहीं होता लेकिन हम क्या करें यहाँ पर इसको ए सी का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्शन हम यहाँ पे करेंगे यहाँ पर हम क्या करें ए सी ई की जगह पर क्या करें ए सी इनवीटर्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करें एक तरह से यहाँ पर इस प्रोसेस को ख़त्म कर रहे हैं अब आप इस प्रोसेस पर यहाँ पे हाथ रखिए चलिए मैंने रख लिया इस तरह से आप समझिए हमारे जो इधर वाला पार्ट है इसको हम समझेंगे ये क्या करते हैं एक तरह से डिक्रीज़ कर देता है यहाँ पे ओल्ड को जब ये एक तरह से डिक्रीज हो जाता है एक तरह से सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन है यानी एक तो होता है एब्जॉर्प्शन वो नॉर्मल है चलिए एक तो सर ये एब्जॉर्प्शन दोबारा से एब्जॉर्ब करना री एब्बजॉर्प्शन यहाँ पर कम हो जाएगा सोडियम का उसके बाद ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा कार्डन आउटपुट भी कम हो जाएगा बीपी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा तो एक तरह से फार्माकोलॉजिकल एक्शन है एसी सी का जो हमारा ये इधर वाला है इस प्रोसेस को एक तरह से हमारी नॉर्मल हो रही थी इससे इंक्रीज हो रहा था हमने ए सी का यूज़ करा इसको यहाँ पर कट किया जिससे हमारी ये प्रोसेस तो आई थिंक आपको समझ में आएगा बी पी हमारा कैसे इंक्रीज़ होता है कैसे हमारा डिक्रीज होता है नेक्स्ट हम देख लेते हैं चले इसमें ए सी इनिविटर्स कोज वैसो डायलेशन वैसोडाइलेसन क्या होता है जैसे मान लीजिए हमारी जो ब्लड विसल्स होती है एक तरह से उनका वाइड होना वाइड होना कैसे आप समझ रहे हैं जैसे हमारी ये ब्लड विसल्स है भाई तो क्या कर देते हैं एक तरह से इसमें वैसो डायलेशन कोस कर देते है ये हमारे एक तरह से बढ़ जाती है जब एक तरह से वैशोडाइलेशन हो गई चौड़ी हो गई फैलेगी यहाँ पर तो एक तरह से जो ब्लड का प्रेशर है वो इस पर कम पड़ेगा ब्लड का प्रेशर कम पड़ेगा एक तरह से ब्लड ईजिली पास हो जाएगा और बी एक तरह से हमारा नॉर्मल वहाँ पर हो जाएगा तो ये हमारा हो गया सिस्टमिक आर्टिकल अब देखिए एक तरह से ऐसा नहीं है हमारे जो सिस्टम आर्टिकल है सीधा हम कह सकते हैं हमारा बीपी जो होता है सिस्टोलिक और डिस्टोलिक दोनों तरीके से यहाँ पे ये यह कम होता है दे डू नॉट कोज रेफ्लैक्स टेकार्ड जो टेकिक कार्डियो एक तरह से कोज नहीं करता है साथ में हम देख लेते हैं दे रिड्यूस ओल्ड स्टोन सिकलेशन बट एडोकोट लेवल आर मेनटेन बाई ए सी एंड पोटेशियम अब देखिए एक तरह से जो हम यहाँ पे ए सी यूज़ कर रहे हैं बाई ए सी टी एच ए सी टी एच क्या होता है हमारे एक हॉर्मोन होता है आगे इसको हम डिटेल में देखेंगे आई थिंक कोई टॉपिक है जिसमें एक तरह से इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हमारा ए सी टी एच हॉर्मोन साथ ही हमारा जो पोटेशियम होता है ये एक तरह से क्या करते हैं मेंटेन करते हैं किसके ओल्डेस्ट एस्ट लोन के लेवल को एक तरह से रिड्यूस करते हैं लेकिन एक तरह से एजुकेट लेवल तक अगर उससे ज़्यादा रिड्यूस कर जाए तो एक तरह से हमारा जो बी पी है वो ज़्यादा कम भी वहाँ पर हो सकता है नेक्स्ट हम देख लेते हैं देयर एंटी हाइपर इफेक्ट इज सीन इन ऑल टाइप्स ऑफ हाइपर टेंशन हमारे जो ए सी से है नहीं है कि सिस्टोलिक में दिख रहा है हम ओनली डिस्टोलिक में दिख रहा है ऑल टाइप के सिस्टोलिक डिस्टोलिक दो ही हमारे होते हैं सभी में एक तरह से इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है यानी बी को डिक्रीज करने का वर्क करते हैं नॉर्मल सीधा एकदम कह सकते हैं एसी सी इन्वर्टर्स हमारे क्या होते हैं ऐसे सब एक तरह से हमारे क्या है भाई हमारी एजेंटेड ड्रग हैं जो इस प्रोसेस को यहाँ पे रोक देते हैं एनजियो टेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट होने से रोक देते हैं जिससे हमारी प्रोसेस यहाँ पे रुक जाती है ये वाली हमारी प्रोसेस होती है अब देखिए इस प्रोसेस को एक एजुकेट लेवल तक रोकते हैं ज़्यादा रोकेंगे तो हाइपोटेंशन की दिक्कत हो जाएगी फिर बी कम हो जाएगा तो हमारी पूरी यहाँ पर ये प्रोसेस होती है यहाँ पे डोज अब कितनी कितनी डोज यहाँ पे ली जाती है अब देखिए हमने कई बार आपको बता चुके हैं डोज जो होती है एक तरह से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अब भैया ये फर्स्ट कंडीशन है फर्स्ट स्टेज में सेकंड स्टेज में थर्ड स्टेज में सेकंड में है तो उसी के हिसाब से बीपी के हिसाब से क्या होता है उसको डोज वहाँ पे दी जाती है जैसे इनालप्रिल प्लेल बीस एम जी नॉर्मल देखा जाए तो ये हमारी ओडी ही चलती है जैसे इनालप्रिल जो होती है ट्वेंटी एम जी हम देते हैं कैप्टोप्रिल को फिफ्टी एम जी हम दे देते हैं लिसिनोप्रिल को नॉर्मल देखा जाए तो ट्वेंटी एम जी पर डे साथ में यहाँ पे टरानो साथ में यहाँ पे ट्रांडो लेप्रिल ये क्या होते हैं हमारे कुछ यहाँ पे ड्रग है जो इनकी यहाँ पे डोज लिखी हुई है नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई इंडिकेशन अब इंडिकेशन में क्या है कि मान लीजिए भाई बीपी को तो हम यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन अदर टाइप की जो बीमारी भी एक तरह से हमारे यहाँ पे ट्रिलीडी रिड्यूस होन्स है जैसे हाइपर टेंशन हाई बी पी में हम इसका ट्रीट करने में इसको यूज कर रहे हैं साथ में कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर मान लीजिए बीपी अगर थर्ड स्टेज तक नहीं जा रहा है नॉर्मल है तो एक तरह से भी सही है और एक तरह से थर्ड स्टेज में आ जाए तो वह हार्ट फेल हो जाता है तो एक तरह से जो हमारे यहाँ ए सी इनविटर्स है उनका हम यूज़ करें तो एक तरह से कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर होने से भी हम वहाँ पर उसको बचा रहे हैं डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी में हम यूज़ करें साथ माओकॉर्डल इन्फेक्शन एम आई जो हमने आपको फार्मो को थैलापोटिक में डिस थी उसको डिटेल में डिस्कस किया था तो उसके होने के चांसेस भी यहाँ पे कम हो जाते हैं इसके यूज़ से नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कौनटला इंडिकेशन कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें एक तरह से ए सी इनिविटर्स यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकते हैं अब आप देखिए आपको मान लीजिए कोई आप क्या कर रहे हैं मतलब कैटेगरी की कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिख रहे हैं और आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद नहीं आ रहा है तो नॉर्मली आप एक वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी क्या होती है इस तरह कंडीशन होती है जिसमें कि दवाइयाँ बहुत ही मतलब ध्यान से लगाई जाती है क्योंकि क्या क्यों होता है वहाँ पे जो बेबी वगैरह होता है उसको वहाँ पे लॉस हो सकता है तो प्रेगनेंसी में हम इन्हें नहीं दे सकते साथ में यहाँ पे साथ में यहाँ पर साथ में यहाँ पे एवल्टे के स्टेंसिस और यहाँ पे हाइपोटेंशन अच्छा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जैसे हाइपोटेंशन मान लीजिए बीपी कम हो रहा है और आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ कर ली तो वो बी पहले ही कम हो रहा है आप उसको और ज़्यादा कम कर लें इन ड्रग कम यूज़ कहाँ पे करते हैं हाई को कम करने के लिए आप लो को कम करने के लिए एक तरह से आप इनका यूज़ कर लें तो इतना ज़्यादा कम हो जाएगा एक तरह से भी हमारे जो हार्ट वगैरह उसको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाएगी जो ब्लड के अंदर से मिलती है ब्लड नहीं मिल पाएगा तो वहाँ पर भी हार्ट फेल हो सकता है तो इस तरह की हमारी कुछ कंडीशन यहाँ पर होती है आई थिंक आपको पूरी ही यहाँ पर ये कैटेगरी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आई होगी अब यहाँ पे इसके डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है जो बच्चे लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं है समझना चाहें तो वो इसको समझ सकते हैं साथ में देखिए जो रिपोर्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए जो लिखना चाहें उनके लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं तो आपका जो टॉपिक है ये कम्प्लीट हो जाता है तो कैसा आपको ये टॉपिक लगा आपको अच्छे से समझ आया कोई भी आपका डाउट रह गया इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में तो पूछ सकते हैं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में